और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा की बात की जाए। तो मीत हुड्डा खुद इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार ये सगुन चाहती क्या है, क्योंकि दोस्तों मनमीत को हत्याने के लिए इस तरीका से गिरती हुई नजर आएगी आखिरकार वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मनमीत पहलवान को किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेकिन इसलिए सगुन ने खुद ने ही एक प्लान बनाया था। सगुन ने ये प्लान बनाया था कि कुछ लोग छेड़ेंगे और छेड़ने के बाद में आखिरकार मनमीत को ज़बरदस्ती शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सगुन चाहती है कि मुझसे भी मनमीत पहलवान ज़बरदस्ती शादी करे। लेकिन दोस्तों मनमीत पहलवान ने पहले से मीत हुड्डा से शादी कर रखी है और मीत हुड्डा अब समझ चुकी है कि जब सगुन की कोई चाल कामयाब नहीं हो पाई तो उसने इस तरीका से इस कदर चाल चली है कि बहुत ही अलग तरीका से। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक और नया भी ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा की बात की जाए। तो इस समय मीत हुड्डा ने बोलती हुई नजर आने वाली है मनमीत से कि मनमीत जितने तुम इस लड़की को भोली समझ रहे हो सगुन को, वो इतनी भोली नहीं है, बल्कि वो तुम्हें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय के बाद में जो कि सगुन ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेगी वो भी मनमीत को, क्योंकि राजी राजी से शादी करे तो ठीक है, नहीं तो अभी भी सगुन के पास में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। आने वाला एपिसोड और भी घना दिलचस्प तो आप लोगों को तब भी देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मनमीत लगातार अपने प्रयासों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। मनमीत का मानना ये है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करूंगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए।